श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रियव्रत, तुम अपने घर जाओ, गृहस्थ का पालन करो और गृहस्थ में रह के भक्ति करो। तो श्री प्रियव्रत महाराज अपने घर आए, उनका विवाह विश्वरूप की पुत्री से हुआ। उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम अग्निद्र था। अग्निद्र की विवाह पूर्वचित्ति से हुआ। इनके 5 बेटे हुए। इनका एक बेटा हुआ नाभी। नाभी के बेटे हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। इनको 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी का विवाह पंचजनी से हुआ। इनको 10 बेटे हुए। तो भरत जी भगवान के बहुत भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे, अपने राज्य का पालन भी बहुत अच्छी तरीका से करते थे। तो श्री भरत जी इतने अच्छे शासक राजा हुए कि उनके राज्य के लोगों ने खुश होके भरत जी का नाम से ही अपने देश का नाम रखा भारत। पहले इसी देश का नाम अजनावखंड था, लेकिन भरत जी का नाम इतना विख्यात हुआ, इसीलिए भरत जी के नाम से देश का नाम रखा गया भारत। तो श्री भरत जी अपने बच्चों को राजगद्दी दिए और अपने राज्य के पास में एक गंडकी नदी के पास जाके भजन करने लगे। तो श्री भरत जी नित्य प्रति गंडकी नदी में जाके स्नान करते थे। तो एक दिन श्री भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, कि उस नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी और वो हिरनी गर्भवती थी। और उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक शेर खड़ा था। तो शेर ने बहुत तेज दहाड़ मारी। तो जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी तो उस हिरनी का गर्भ गिर गया, उसका बच्चा पानी में बह गया और वो बेचारी डर के मारे वहां से भाग गई। अब वो हिरनी का बच्चा पानी में बहता हुआ आ रहा था। तो जैसे ही श्री भरत जी ने सूर्य भगवान को जल देने के लिए नदी से पानी लिया तो उनके हाथ में वही हिरनी का बच्चा आ गया। श्री भरत जी ने सोचा कि शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवे। एक शरणागत की रक्षा नहीं करना ये एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसा सोच करके श्री भरत जी उस हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, लेकिन धीरे धीरे भरत जी का मन अपने भजन से हटके उस हिरनी के बच्चे में फंसता चला गया। भरत जी भजन करने भी बैठते थे तो वो हिरनी का बच्चा बार बार आके उनका ध्यान भंग कर देता था। अब तो भरत जी दिन प्रतिदिन उसके मोह में फंसते गए, उसी के बारे में सोचते थे, भजन सब छूट गया। तो एक दिन श्री भरत जी ध्यान कर रहे थे और हिरनी का बच्चा, कुछ हिरनों का कुछ झुंड था, उनके साथ मिलकर के वो बच्चा वहां से चला गया। अब भरत जी जैसे भजन से उठे, देखा कि बच्चा कहीं भी नहीं है, तो बहुत दुखी हुए। उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल दिए। उसे पुकारते हुए जा रहे हैं, जंगल में ढूंढ रहे हैं, और उसी समय उनका काल आ गया। और कहा जाता है कि अंत मति सोगति
अंत समय में आदमी की जैसी मति, जैसी जिस तरफ उसका ध्यान होता है उसको वैसी ही गति मिलती है। इसलिए ध्रुव जी का मन उस हिरण में था, इसलिए अगले जन्म श्री भरत जी एक हिरण बने। देखो भागवत हमें यह शिक्षा देती है कि भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को अपने पास क्यों रखा, इसीलिए कि मैं उसकी मदद कर सकूं। शरणागत की मदद करना अच्छी बात है, इसीलिए भरत जी उसे अपने आश्रम में लाए। लेकिन असली मदद तब मानी जाती, भरत जी उसे घर लाते, उसे घर लाके थोड़ा पालन पोषण उसका करते, वो थोड़ा बड़ा हो जाता, उसे छोड़ देते। लेकिन भरत जी का मोह उसमें फंस गया, आसक्ति फंस गई, क्योंकि जहां भी आसक्ति होती है वही बंधन है। इसलिए कभी भी केवल मनुष्यों में ही नहीं, कोई भी जानवर है, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली, किसी में भी आसक्ति मत रखो। बहुत से लोग कहते हैं हमें जानवर बहुत अच्छे लगते हैं, कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। अमेरिका में अपने बच्चों से भी ज्यादा कुत्तों से प्यार करेंगे, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, सबसे प्रेम करो, क्योंकि कहा जाता है कि सबके अंदर भगवान है, सबसे प्रेम करो। लेकिन ऐसा नहीं कि कुत्ता ही सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ है। जहां बाहर जाओगे उसी में मन रहेगा, बाहर जाओगे उसे साथ लेके जाओगे। दूसरों की मदद करो लेकिन उसमें कभी भी आसक्ति मत रखो। इसलिए आज श्री भरत जी उसी हिरण के आसक्ति के कारण अगले जन्म में एक हिरण बने। लेकिन पिछले जन्म में भरत जी ने बहुत भजन किया था, इसलिए हिरण योनि में आने के बाद उनको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, तो इसलिए भरत जी हिरण योनि में भी भगवान का भजन करते थे। उसके बाद उनका हिरण शरीर एक दिन पृथ्वी पर गिर पड़ा और तीसरे जन्म में भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भरत जी चार भाई थे, वो सबसे छोटे थे और उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा गया। अब भरत जी के जो पिताजी थे वो चाहते थे कि भरत थोड़ा पूजा पाठ सीख ले, पंडित बन जाए, शादी वगैरह करा दे, पूजा करा दे, ताकि कुछ दक्षिणा मिल जाए। लेकिन भरत जी ऐसा नहीं चाहते थे। भरत जी को अगर विद्यालय में उनके अध्यापक कुछ पढ़ाते रहते थे तो भरत जी पीछे आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते रहते थे, ना पढ़ते थे, ना लिखते थे, ना घर का कोई काम करते थे, बस हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। तो एक दिन भरत जी के बड़े भाइयों ने सोचा कि ये भरत पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं, तो चलो इसको खेती का काम सौंप दिया जाए, इसको पढ़ाई लिखाई छोड़वा दो और इसको खेती का काम सौंप दो। अब श्री भरत जी को खेती का काम सौंप दिया गया। लेकिन मेड़ कहे तो कूप बनाए, कूप कहे तो खनन बनाए। जहां श्री भरत जी को मेड़ डालने के लिए कहा जाता वहां कुआं खोद देते। मेड़, आप लोग समझते हैं मेड़ किसे कहते हैं? नहीं समझते? मेड़ यानी जैसे खेत होता है तो खेत में पानी लगाते हैं, तो पानी खेत से बाहर ना निकले उसको रोकने के लिए जो मिट्टी की रोक लगाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग जो भी बोलते हैं हमारे ब्रज में उसको मेड़ बोलते हैं।